अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि फेसबुक पर एक ऐसे पोस्ट की बीती रात से बाढ़ आ चुकी है, जिसमें लोग दावा कर रहे हैं कि फेसबुक का नया नियम लागू होने जा रहा है, जिसके बाद मेटा यानी फेसबुक जितना भी डाटा यूजर्स का फेसबुक है, जैसे कि फोटो, वीडियो, नाम, मोबाइल नंबर का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए कर सकेगा। लेकिन क्या कुछ हकीकत है इसके पीछे, अब उसे लेकर बात करते हैं। नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आदित्य आत्रे। फेसबुक पर फिलहाल जिसे देखो वह फेसबुक को आदेश दे रहा है कि मेरे डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जाए। पहले बात करते हैं आखिर फेसबुक पर किस तरह का पोस्ट वायरल हो रहा है और उसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ यूजर्स फेसबुक पर लिख रहे हैं, याद रखें कि कल से नया फेसबुक नियम शुरू हो रहा है, जहां वे आपकी तस्वीरों का उपयोग कर सकते हैं। मत भूलो कि अंतिम तिथि आज है। मैं फेसबुक या फेसबुक से जुड़ी किसी भी इकाई को अपने अतीत और भविष्य के चित्रों, सूचनाओं, संदेशों या प्रकाशनों का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता। इस बयान के साथ साथ मैं फेसबुक को सूचित करता हूं कि इस प्रोफाइल और या इसकी सामग्री के आधार पर मेरे खिलाफ खुलासा, प्रतिलिपि, विवरण या अन्य कार्रवाई करना वर्जित है। निजता का उल्लंघन करने पर कानून द्वारा दंडित किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो आप इस संस्करण को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यदि आप कम से कम एक बार कोई बयान प्रकाशित नहीं करते हैं तो यह चुपचाप आपकी तस्वीरों के उपयोग की अनुमति देगा। साथ ही आपकी प्रोफाइल और स्थिति अपडेट में मौजूदा जानकारी भी जो है, जो मेटा है या फेसबुक है, वो उपयोग में ले सकता है। इस तरह का एक मैसेज बीती रात से फेसबुक पर लगातार वायरल हो रहा है। अलग अलग फेसबुक के यूजर्स इस जो ये जो पोस्ट है इसको वायरल कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा ही करीब 2021 में भी देखने को मिला था। इससे पहले वर्ष 2021 में एक ऐसा ही फेसबुक पर पोस्ट काफी वायरल हुआ था। फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने 28 अक्टूबर 2021 को कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा रखने की घोषणा की थी, जिसके बाद से एक ऐसा ही पोस्ट फेसबुक पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि फेसबुक के नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिससे फेसबुक को यूजर्स की तस्वीरें उनके खिलाफ मुकदमे में इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाएगी। इसलिए कहा जा रहा था कि वायरल पोस्ट को कॉपी पेस्ट कर यूजर्स फेसबुक के नियमों से असहमति दर्ज करवा ले। इस तरह से वो इस नियम से बाहर रहने का विकल्प चुन सकते हैं। देखिए, करीब 2021 यानी दो साल पहले भी इस तरह का एक पोस्ट लगातार वायरल हो रहा था फेसबुक पर, जैसा बीती रात से हो रहा है। और ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या जो मेटा है फेसबुक है उसकी पॉलिसी में किसी तरह का कोई परिवर्तन हुआ है, क्या अब जो नई पॉलिसी फेसबुक की या मेटा की आई है उसमें क्या वो यूजर्स का डेटा है, किसी भी प्रकार का जो डेटा है, चाहे फोटो हो, चाहे उनसे जुड़ी निजी जानकारी हो, तमाम तरह की वो उपयोग में ले सकता है। ये बीती रात से भी इस तरह का एक वायरल पोस्ट लगातार फेसबुक पर चल रहा है और वर्ष 2021 में भी इसी तरह का एक पोस्ट लगातार फेसबुक पर काफी चर्चित रहा था। हालांकि कई लोगों के मन में लगातार सवाल उठ रहे हैं, आखिर क्या वास्तव में उनकी व्यक्तिगत जानकारी को किसी अन्य मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि जब मेटा की पॉलिसी को पढ़ा गया तो अभी तक उस पॉलिसी में यूजर्स की व्यक्तिगत फोटो, पोस्ट या फिर मोबाइल नंबर या उसकी जो भी निजी जानकारी है उसका उपयोग में लेने की जानकारी सामने नहीं आई है, जिसमें कहा गया है कि अब मेटा या फेसबुक अब यूजर्स की कोई भी जानकारी अपने हितों के लिए इस्तेमाल ले सकता है। यानी पॉलिसी के अंदर अभी तक कोई ऐसा अपडेट सामने नहीं आया है कि अब फेसबुक या मेटा यूजर्स की कोई भी जानकारी अपने हितों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में किसी भी पोस्ट को कॉपी पेस्ट करने से पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करना काफी जरूरी होता है। द नगरी न्यूज में फिलहाल इतना ही इस तरह की खबरों के लिए, और हम हमारे यूजर्स को बताना चाहेंगे कि इस तरह की जो खबरें होती हैं, जो काफ़ी वायरल होती हैं, लोग लगातार उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, उसकी जानकारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं, तो इस तरह की जो तमाम जानकारियां हैं उसको लेकर हम लगातार आपको अवगत करवाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।